हाय गाइस, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है MI 10i को रेकमेंड करना, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में आया है ना, 22,000 में, उस प्राइस रेंज में बहुत सारी चीज़ मैटर करती है। एक बात सही है कि इसमें आपको 120 Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल रहा है, बट गाइस 22,000 में आपको एक LCD डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि ना काइंड ऑफ AMOLED से बहुत ही ज़्यादा पीछे है, क्योंकि जो AMOLED का टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत ज़्यादा न्यूअर है, एडवांस्ड है। तो ऑब्वियसली मैंने इसको OnePlus Nord के जो सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ कंपेयर किया, एंड ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिले, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट है, कलर से। जब मैं एक्चुअली मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, जब मैंने एक दिन तक MI 10i यूज़ किया, उसके बाद जब मैंने OnePlus Nord यूज़ करना स्टार्ट किया, तो काइंड ऑफ मुझे बहुत डिफरेंट लगने लगा। जब मैं OnePlus Nord के डिस्प्ले को देख रहा था ना, बहुत ज़्यादा कलरफुल फील हो रहा था। तो इसमें आपको पता चल जाता है जो OnePlus Nord का जो कॉन्ट्रास्ट, जो वाइब्रेंस, जो विजिबिलिटी एंड जो भी कलर पंचीनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू जो MI 10i के डिस्प्ले। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा बड़ा एक ड्रॉबैक कह सकते हैं, क्योंकि मीडिया कंजम्पशन के लिए LCD डिस्प्ले बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है। जैसे कि आप ज़्यादातर नाइट लाइट में सब मूवीज़ देखोगे ना, तो जो डीप ब्लैक्स है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते। तो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए LCD डिस्प्ले ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इसके वजह से मैं। बट गाइस, इसमें जो 120 Hz रिफ्रेश रेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्मूथ है ओवरऑल एक्सपीरियंस। मैं एक्चुअली OnePlus Nord के साथ जब कंपेयर किया, OnePlus Nord में आपको 90 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, उसके हिसाब से गाइस थोड़ा सा स्लो लगा मुझे, सच में बोलूँ तो। मे बी बिकॉज ऑफ OnePlus Nord का ऑक्सीजन वॉइस है ना, तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। इसमें MIUI बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, थोड़ा सा मुझे लैगिंग लगा, जो कि थोड़ा सा वे भी डिसअपॉइंटमेंट है। 120 Hz होने के बाद भी जो स्मूथनेस बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, ओवरऑल थोड़ा सा जिटरिंग फील होता है ओवरऑल डे टू डे लाइफ में यूज़ करने पे। एक डिवाइस के लिए इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जैसे कि लुक्स की नहीं बात कर रहा, लुक्स बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, बट जो बिल्ड है, जो एस्थेटिक्स है, यहाँ पे ना शॉमी टिपिकल जो शॉमी स्टाइल का बना है, जो कि जैसे कि देख सकते हो ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा मोटा है डिवाइस एक्चुअली है ना। जब मैंने पहली बार यूज़ कर स्टार्ट किया ना, मुझे हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, एंड मेरे हाथ में पेन भी होना स्टार्ट हो गया था, बिकॉज स्क्रीन साइज भी बहुत बड़ा है, उसके साथ है ना साइड्स बहुत ज़्यादा बल्कि, बहुत ज़्यादा बन्नी लगता है, एंड जो एक हाथ में मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपका हाथ बहुत छोटा होगा ना, तो आपको बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। मेरा हाथ बड़ा होने के बाद भी, अभी भी मैं बहुत दिन से यूज़ करने के बाद भी ज़्यादातर यूज्ड नहीं हुआ, तो आपको ये देख लेना है, क्योंकि डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू इसका जो कॉम्पिटिटर है OnePlus Nord, उसका बहुत ही ज़्यादा बेटर लगा डिज़ाइन, क्योंकि लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा पतला है, एंड बहुत ज़्यादा स्क्रीन साइज भी बहुत बेटर है इसके हिसाब से, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। विदाउट एनी डाउट इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं गाइस, जैसे कि इसका स्नैपड्रैगन 750G 22,000 में, एक्चुअली मैं कहूँगा ये बहुत चीपेस्ट डिवाइस है। एक्चुअली मोटोरोला का जो Moto G5G लॉन्च किया है, उसमें आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें उसमें हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले नहीं मिलता, बट इसमें आपको 5G के साथ 22,000 में एक 750G मिल रहा है। अगर इसका आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो मैं आपको बता नहीं जाता है। ऑब्वियसली गाइस, ये है ना नॉर्मल जो मिड रेंज प्रोसेसर है, बहुत ज़्यादा बेटर है, बट जब आप अगर आप फ्लैगशिप के साथ कंपेयर करोगे ना, तो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जैसे कि मैं एक्चुअली, आप एक एप्लीकेशन में कुछ डाउनलोडिंग कर रहे हो, कुछ दूसरे एप्लीकेशन में कुछ आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उस टाइम में क्या होता है ना गाइस, थोड़ा बहुत हिकअप्स, थोड़ा बहुत लैगनेस फील होता है। ये प्रोसेसर है ना बहुत ज़्यादा हैवी टास्किंग के लिए नहीं है, बट नॉर्मल आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र नहीं, नॉर्मल डे टू डे स्टाफ बहुत अच्छे से हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। बट बहुत ज़्यादा आप स्नैपड्रैगन के 8 सीरीज़ प्रोसेसर है ना, स्नैपड्रैगन 855 865 उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ओवरऑल इट इज़ ए रियली अपर मिड रेंज चिप सेट, तो आपको ये ध्यान में रख लेना है। गेमिंग के टाइम में ना गाइस, गेमिंग इसको आप स्नैपड्रैगन 765G के जो OnePlus के डिवाइस के साथ कंपेयर कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हैवी गेमिंग में नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लो नहीं। ओवरऑल आप एक कैजुअल गेमिंग के लिए डिवाइस यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी डाउट, क्योंकि बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जो नेक्स्ट हाईलाइटेड फीचर है इसके कैमरास, एक्चुअली मैं आपको ये क्लियरली बता सकता हूँ कि ये 22,000 में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है, क्योंकि गाइस इसमें आपको 108 MP का कैमरा मिल रहा है, जो कि है ना मैं 108 MP की वजह से ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो सेंसर है ना थोड़ा सा बेटर है एंड थोड़ा सा बड़ा है। एक्चुअली एक चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना कि गाइस, जो इसका कैमरा सेंसर है ना, सैमसंग के S20 Plus जैसा है, या सैमसंग के जो MI 10 लॉन्च हुआ है फ्लैगशिप शॉमी का, या MI 10T Plus, उसके जैसा नहीं, उससे थोड़ा सा साइज छोटा है सेंसर से, HM2 सेंसर है, बट ओवरऑल इसका जो इमेज क्वालिटी है ना ओवरऑल बहुत ही अच्छा आता है, डे लाइट में भी बहुत अच्छा फोटोज निकालता है, वीडियोज़ भी ओवरऑल ओकेज निकालता है, एंड नाइट लाइट के टाइम में भी काइंड ऑफ बहुत ही अच्छा फोटोज निकालता है। तो कैमरा के लिए डिवाइस बेस्ट डिवाइस है, 22,000 में मुझे नहीं लगता इससे बेटर आपको डिवाइस मिलने वाला है। अगर आपको कैमरा को इससे ज्यादा इंप्रूव करना है, तो ऑब्वियसली शॉमी डिवाइस के लिए GCam बहुत ज्यादा फेमस है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ इशू नहीं होने वाला कैमरास एंड इसका जो परफॉर्मेंस है ना, ओवरऑल मुझे 22,000 बहुत जस्टिफाइबल लगता है।
गाइस फिर छोटे छोटे जो भी स्पेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे HDR 1035 है इसका डिस्प्ले, तो HDR कंटेंट देख सकते हो। नेटफ्लिक्स में आप फुल HD कंटेंट भी स्ट्रीम कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाता है जिसका साउंड क्वालिटी इट इज़ ओवरऑल बहुत अच्छा है प्राइस रेंज के हिसाब से, नॉट अ बैड, ज़्यादा कंप्लेंट करने का पॉइंट नहीं है। 30 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल रहा है इसमें आप लोगों को, एंड 4800 mAh का बैटरी मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ फुल डे आप आराम से यूज़ कर सकते हो। चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाता है, 1 आवर में फुल चार्ज भी हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये सब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चीज़ें पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो फाइनली यही क्वेश्चन आता है, क्या आपको ये डिवाइस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली गाइज इसका जो मेन सेलिंग पॉइंट है ना 22,000 में सेल हो रहा है, जो कि एक 5G के वजह से एंड 108 megapixel कैमरा की वजह से। वरना गाइज जो पोको X3 है ना, आप जानते हो एक्चुअली ऑफर के टाइम 15,000 में मिल जाता है, ये 22,000 का था। तो जो 7,000 का प्राइस गैप है ना, मुझे नहीं लगता ये वर्थ इट है 5G के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में अपग्रेड नहीं है। गेमिंग में थोड़ा सा ज़्यादा अपग्रेड है, तो गेमिंग के लिए डिवाइस चाहिए तो ये थोड़ा सा बेटर होने वाला है, वरना मुझे बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं दिखा। फिर गाइज एक्चुअली अगर आप थोड़ा ऐड कर सकते हो ना, ऑब्वियसली आप ऐड कि OnePlus Nord पे जा सकते हो अगर आपको मीडिया कंज्यूम करना है, ओवरऑल एक बहुत ही स्मूथ बेटर सीमलेस एक्सपीरियंस चाहिए। तो अभी बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर भी आ चुके हैं गाइस, जैसे कि Realme X7 Pro, जो कि मुझे थोड़ा सा बेटर ओवरऑल पैकेज लगा है इसके कंपैरिजन में। इसका जो डिज़ाइन डिस्प्ले सब, क्योंकि मैं ज़्यादातर मीडिया कंज्यूम करता हूँ, वीडियोज वॉच करता हूँ, तो मुझे ज़्यादातर पसंद नहीं है ओवरऑल डिवाइस। तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हो, आप वरना पोको X3 पे भी जा सकते हो, अभी थोड़ा सा अच्छा डील लग रहा है मुझे, वरना आप ऐड करके OnePlus Nord पे जा सकते हो। वरना अगर आपको डिस्प्ले से कोई इशू नहीं और डिज़ाइन से कोई इशू नहीं, तो आप इस डिवाइस को ले सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।